Welcome you all in our online classes. I am Shana Parveen and today we will learn about globe. So let's start the topic with what is globe. Globe is a model of earth, gives an accurate picture of earth's surface, shows the location of places on a smaller scale. Globe ko hum earth ka model kehte hain jo ki prithvi ki satah ko darshata hai aur is par hum iski help se hum किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं एक स्मॉलर स्केल पर, एक छोटे पैमाने पर हम किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं. द डेफिनेशन ऑफ ग्लोब इज द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग राउंड मास और स्फेयर. ग्लोब वर्ड एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से आया है जिसका मतलब वृत्तीय पिंड या वृत्तीय सतह होता है. सो बेसिकली जो ग्लोब है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. Now come to the next point, latitudes. Latitudes are known as imaginary parallel lines run in an east-west direction, measure the distance north or south from the equator. Latitudes काल्पनिक समानांतर रेखाएं होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं और ये इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ दिशा में दूरी को मेजर करती हैं. एंड आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, इक्वेटर क्या है, व्हाट इज इक्वेटर. देन जीरो डिग्री लैटिट्यूड विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जीरो डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर एंड इट डिवाइड्स द ग्लोब इक्वली. जीरो डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं जो कि ग्लोब को इक्वली डिवाइड करता है. ये भी एक काल्पनिक रेखा है. एंड latitudes decrease towards poles from equator. latitudes जो हैं वो equator से poles की तरफ जब खींचे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनका आकार कम होता जाता है. अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि poles क्या है. poles the bottom of a globe and the top of the globe, इसको हम poles कहते हैं. अब ये poles भी कुछ directions को बताते हैं. For example, the top of globe is known as North Pole or Northern Hemisphere and the bottom of globe is known as South Pole or Southern Hemisphere. Here is some important latitude parallels. कुछ important parallels के नाम दिए हुए हैं, Arctic Circle, 66.5 North, Tropic of Cancer, 23.5 north, equator 0 degree and tropic of capricorn 23.5 degree south and antarctic circle 66.5 in south. ये important parallels जो हैं, equator जो कि mid में होता है globe के और इसके आगे जब हम ऊपर के ऊपरी हिस्से की बात करें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है. तो जो आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसके आगे एन लिखा हुआ है, तो इसका इट मींस इट इज इट कम्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इट मींस इट कम्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड आर नोन एज मेरिडियंस, run in north to south direction, measure distance east or west from prime meridian. longitude को meridian के नाम से जाना जाता है. ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि north से south direction की तरफ खींची जाती हैं. and ये prime meridian से दूरी को measure करती हैं east या west direction में. अब question आया होगा कि prime meridian क्या है. तो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि वर्टिकली खींची जाती है ग्लोब पर, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड इट इज अ वर्टिकल लाइन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं और ये वर्टिकली ग्लोब को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. longitude cross the equator at right angle and they are all equal in length. longitude जो हैं वो equator को right angle पे cross करते हैं और longitude इन आपस में इनकी सब जितने भी longitudes रेखाएं होती हैं ये आपस में इनकी length जो है वो बराबर होती है.
जैसे लैटिट्यूड में आगे बढ़ते हुए इनका आकार कम होता जाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, इनका सबका शेप जो है एक समान रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल ड्रॉन ऑन ए मैप टू लोकेट एक्यूरेटली एनी प्लेस। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है जो कि मैप पर ड्रॉ की गई हैं किसी भी जगह को एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आई होप द टॉपिक इज क्लियर नाउ। थैंक यू।